पर लोग जो गिफ्ट आते हैं इसके बारे में चर्चा होते थे, मगर प्रधानमंत्री जी जितने भी गिफ्ट मिलते हैं उसमें लोगों को देना चाहिए, और जो लोग एफर्ट कर सकते हैं उनसे वॉलंटरी एक्टिविटी में उनसे कोई अमाउंट फिक्स करके उस अमाउंट को समय समय पर, जो एक बात स्वच्छ भारत को किया है, एक साल में गंगा क्लीनिंग के किया है, ऐसा अलग अलग समय पर ये काम चलते रहे। पहली बार 2019 में इस आइटम्स का ओपन बिड के द्वारा लोगों को देने के एक्शन करके देने के लिए निर्णय किया है। उस समय लगभग 1,805 गिफ्ट्स को एक्शन में लगाए थे फर्स्ट राउंड पे, जो सेकंड राउंड पे मिलकर 2,772 पहली बार इस गिफ्ट आइटम्स को दो बार किए थे 2019 में। उसके बाद 2021 में भी दो बार किए थे, उसमें फर्स्ट राउंड में 1,348 आइटम्स एंड गिफ्ट आइटम्स को, मेमेंटोस को एक्शन किए, और फोर्थ राउंड में भी जो 2021 में 1,222 ऐसे आइटम्स को एक्शन में जनता के सामने, देश के सामने ओपन बिडिंग के द्वारा देने का निर्णय किया है। क्योंकि हर विषय पर हमारा प्रधानमंत्री जी, आपके प्रधानमंत्री, हमारा प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री देश के हित के बारे में सोचते हैं, एक आदर्श देश के सामने एक रखना चाहते हैं। इसी दृष्टिकोण से जितने भी इसके द्वारा छोटा अमाउंट हो बड़ा अमाउंट हो, हर एक रुपए देश के हित के लिए काम हो, घर में पड़े रहते तो कोई फायदा नहीं। इसलिए हर विषय पर देश के हित में सोचने का एक नया एक हिस्ट्री बार बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोचते रहते हैं। ये साल जो 2022 आज से शुरू करके ये कार्यक्रम होने वाला है, इसमें लगभग 1,222 मेमेंटोस गिफ्ट आइटम्स बिडिंग में लगा रहे, वो सब पूरा कुछ आइटम्स पूरा इधर डिस्प्ले है, कुछ आइटम्स जैसा खत्म होते हैं छोटे छोटे अलग भी रखे हैं, मगर टोटल पूरा डिस्प्ले नहीं रखे हैं जगह के कारण, मगर वेबसाइट में सब कुछ अवेलेबल रहते हैं। फोटो के साथ 1,222 आइटम्स को वेबसाइट में हम रखे हैं। कोई भी बिडिंग करना चाहते हैं उस आइटम का एक बेस प्राइस ही रखे हैं। बेस प्राइस इसमें 2.7 करोड़ से लेके पूरा आइटम इसमें एक्शन के लगे हैं। इसमें आप सब लोगों को मालूम है गणेश जी का मूर्ति भी है, स्वामी वेंकटेश्वर स्वामी जी का मूर्ति है, शिव जी का जो त्रिशूल है, अलग अलग गिफ्ट आइटम्स है। इसमें स्पोर्ट्स का जो अभी अभी कॉमनवेल्थ गेम्स में अपने देश के क्रीड़ाकार जो सफल जो खेल कर देश के साथ देश के लिए जो मेडल्स ला के आए, वो प्रधानमंत्री जी को जो कॉमनवेल्थ में खेले थे जिस स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स पूरा कुछ लोग वॉलेंटियरली प्रधानमंत्री की गिफ्ट किया है, उस इक्विपमेंट की स्पोर्ट्स इक्विपमेंट जो क्रीड़ाकार कॉमनवेल्थ में जिस इक्विपमेंट के साथ भारत को पदक लाए हैं वही इक्विपमेंट प्रधानमंत्री के दिए हैं। वो इक्विपमेंट पूरा जितने भी प्रधानमंत्री को क्रीड़ाकार दिए हैं वो भी आज एक्शन में बिडिंग के द्वारा देश के
जनता को देने के लिए निर्णय किया है। उसमें कॉमनवेल्थ गेम्स के 2022 का है, पैरा ओलंपिक्स के 2022 का साल का है, थॉमस कप चैंपियन साल का, इस साल का ही थॉमस कप ऑफ चैंपियनशिप ये भी है। इसमें लगभग स्पोर्ट्स का 25 क्रीड़ाकारों का गिफ्ट आइटम प्रधानमंत्री के दिए थे। ये सब आइटम्स आज ये बिडिंग के द्वारा लोगों को देने के लिए निर्णय किया है। इसमें सभी कलाकार, इवन टी शर्ट्स भी है, टी शर्ट्स के ऊपर भी कलाकारों का सिग्नेचर भी है। इसलिए इस स्पोर्ट्स का एंकरेजमेंट हो सकता है। एक जो क्रीड़ाकार प्रधानमंत्री जी को जो आइटम दिया है वो और एक उत्साह, मेरा गिफ्ट आइटम को लोग खरीद लिया है, ऐसा जो एक माहौल देश में बनना चाहिए, इसलिए वो आइटम भी आज इधर लगे हैं। उसके साथ साथ जो अयोध्या का राम मंदिर का एक टेम्पल का जो डिजाइन है वो भी इस प्रधानमंत्री को मिला था, वो भी इसमें लगा है। उसके साथ साथ वाराणसी जो विश्वनाथ मंदिर का जो टेम्पल का है वो भी गिफ्ट किए थे, वो भी इसमें लाए हैं। मूर्तियां भी हैं, गोंड आर्टिस्ट का जो रियल गोल्ड, गोंड समाज के रहते हैं, ट्राइबल समाज के, वो लोगों का आर्टिस्ट जो पेंटिंग करके प्रधानमंत्री को दिया है वो भी इस पद्मश्री गोंड कलाकार पद्मश्री श्री बज्जा सिंह श्याम जी, उनका भी पेंटिंग आज इस बिडिंग में लगाए हैं। उसके साथ साथ चित्रकला पेंटिंग्स भी है, बिल चित्रकारनी जो पद्मश्री अवार्डी है बूरी भाई, उनका भी अलग अलग पेंटिंग्स प्रधानमंत्री को समय समय पर दिया था इस साल, वो भी पेंटिंग्स आज इसमें लगाए हैं। उसके साथ अरुण योगराज जी का भी, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी को एक नेताजी का मूर्ति प्रेजेंट किए थे अरुण योगराज जी, वो भी मूर्ति आज इस एक्शन में है। वैसा ही जो जितने भी आपके सामने लगाए, मैं चाहता हूं ये संदेश, जो उत्साह है, जो गिफ्ट आइटम खरीदना चाहते हैं उन्हीं तक सबको पहुंचे। और उसमें जो लास्ट ईयर में देखते हुए इस बिडिंग्स को जो लोग आते थे, कुछ लोग तो अगर बेस प्राइस से ज्यादा 500% भी डाले थे, कुछ लोग 250% भी डाले थे और हाउस ज्यादा भी डाले थे, मगर लेने के समय थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था। इस साल कोई भी बिडिंग करते हैं उसके नए नाम सम किया है, वो वेबसाइट में है, आप लोग भी देख सकते हैं। अच्छी एक वातावरण में सभी लोग बिडिंग करके, जो जेन्यून लोग है वो बिडिंग कर सकते हैं, जो जेन्यून लोग है इसको खरीद सकते हैं। कुछ नौजवान उत्साह पूरी बिडिंग करते थे, बाद में वो लेने में थोड़ा मुश्किल होता था, इसलिए वो देखते हुए बिडिंग में भी एक ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए हमारा कल्चर डिपार्टमेंट के अधिकारी इसका एक नया नाम तैयार करके आज वेबसाइट में लगाए। और उसके साथ साथ पेमेंट्स का भी एनआईएस के द्वारा और एसबीआई के द्वारा पेमेंट लेने के लिए भी निर्णय किया है। और उसके साथ साथ मैं बताना चाहता हूं, ये एक एक रुपए इस मेमेंटोस गिफ्ट आइटम के द्वारा हमारा कल्चर डिपार्टमेंट को मिलेगा।